रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार है में प्रेमिका उनकी प्रेमिका का रोल प्ले कर रातों रात सुपरस्टार बनने वाली एक्ट्रेस समीक्षा पटेल ने गदर जैसी फिल्मों में काम किया। कहो ना है कहो ना प्यार के अलावा जलवा जैसी फिल्म में काम किया। सलमान खान, ऋतिक रोशन से लेकर सनी देओल जैसे बड़े हीरो के साथ काम किया। बॉबी देओल के साथ हमराज में काम किया। लेकिन फिर भी अमीषा पटेल आज बॉलीवुड में बॉलीवुड के पर्दे पर कहीं नहीं है और फिल्म भैया जी सुपरहिट है में सनी देओल के साथ नजर आई अमीषा की करियर। फिल्म इंडस्ट्री में पर्दे पर भले ही ख़त्म हो गई हो लेकिन अमीषा पटेल काफ़ी ज़्यादा विवादों से भी घिरी रही। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्रोवर्शियल फोटोशूट्स को लेकर बीते कुछ सालों में काफ़ी पब्लिसिटी बटोर रही थी अमीषा पटेल, जिसके बाद मालूम चला कि अमीषा भले ही फिल्मी पर्दे पर बहुत बड़ा नाम ना कमा पा रही हूँ इन दिनों, लेकिन अपने करोड़ों की संपत्ति की अकेली वो मालकिन है। साल 2006 में एक एम्प्लॉय के साथ उनके झगड़े हुए थे। पुलिस कंप्लेन अमीषा पटेल के खिलाफ दर्ज हुआ था मिसबिहेव करने को लेकर। जी हाँ, आज भी आपको कई जगह ये खबरें मिलेगी। मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट में जब अमीषा पटेल पहुंची थी, अमीषा पटेल को बहुत बुरे व्यवहार की वजह से काफ़ी ज़्यादा पुलिस के पछड़े में भी पड़ना पड़ा था। वहीं अमीषा पटेल जीरो फिगर को लेकर कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देने को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।